तीसरी बार चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आईपीएल का 17वां सीजन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। हैदराबाद ने टॉस जीतकर कोलकाता के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की ओर से 18.3 ओवर में सिर्फ 113 रन बना सके बल्लेबाज और ऑल आउट हो गए। 114 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स तैयार थी। सलामी बल्लेबाजी के लिए सुनील नारायण और रहमतुल्ला गुरबाज उतरे थे। पारी का पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका। कोलकाता को पहला झटका सुनील नारायण के रूप में लगा। उन्हें पैट कमिंस ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच कराया। वह 2 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बना सके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर उतरे थे। उनका साथ देने के लिए रहमानुल्ला गुरबाज क्रिज पर उतरे थे। 3 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 37-1 था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वेंकटेश अय्यर जबरदस्त अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। 5 गेंदों में उन्होंने 19 रन बना लिए। वहीं गुरबाज 13 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्ला गुरबाज ने हैदराबाद के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। दोनों के बीच जबरदस्त साझेदारी हुई। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 52-1 था। कोलकाता को दूसरा झटका रहमानुल्ला गुरबाज के रूप में लगा। उन्हें शाहबाज अहमद ने LBW आउट कर दिया। वह 32 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर उतरे थे। उनका साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर क्रिज पर मौजूद थे। कोलकाता ने IPL 2024 के फाइनल मैच में सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 3 बार खिताब हासिल करने में कामयाब हो गई। ये आसान सी जीत KKR के हाथों लगी है। अब जश्न मनाने का मौका मिल गया है KKR को।